हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि जैसे कि किसी आप डेटाबेस पे काम करते हैं और लेट सपोज़ कि किसी डेटाबेस की मतलब जो आप एक्सेल पे जो भी काम करते हैं और उसमें डेटा बहुत सारा हो गया है, जिससे कि आपको उसमें पिवट टेबल बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो उस पिवट टेबल में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको सेम पिवट टेबल का डेटा को किसी और शीट में लेके आना है, मतलब शीट आपकी कहीं किसी और लोकेशन में होगी लेकिन आपको उस पिवट टेबल के डेटा को दूसरी शीट से उठाना है, तो सिंगल शीट्स का तो हमने देखा है। तो जैसे कि मेरे पास ये शीट पड़ी हुई है, मेरी ई ड्राइव में पड़ी हुई है और मैं इसे ओपन करता हूँ, तो इसमें मुझे अगर एक पिवट टेबल बनानी है तो मुझे सिंपली यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, देन पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे आता है टेबल रेंज। तो हमने ये वाली रेंज को सिलेक्ट किया, ओके कर देते हैं, तो हमारी एक नई शीट क्रिएट हो जाती है जिसमें कि हम पिवट टेबल के डिटेल बन जाती है, राइट। तो पिवट टेबल का ऑलरेडी मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है, लेकिन इस वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे पास मैंने सेम शीट में पिवट टेबल बनाई है, लेकिन मुझे लेट सपोज़ कि मेरा डेटा एक इस वाली ड्राइव में पड़ा हुआ है, इस वाली शीट, लेकिन मेरे को इसके डेटा को किसी और शीट के डेटा से कनेक्ट करके पिवट टेबल बनानी है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो मैं एक एक्सेल की शीट ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने शीट को ओपन कर दिया यहाँ पे। शीट ओपन होने के बाद आप देखेंगे मेरी फ़्रेश शीट है, इसमें मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, जो मेरी ई ड्राइव में जो मेरे पास जो डेटा डी डेटा करके फाइल पड़ी हुई है, उसमें मेरे पास डेटा की जो शीट है मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, राइट। तो मेरी अलग अलग शीट होगी, एक तो मेरी ये वाली शीट हो गई और दूसरी मेरी इस ड्राइव पर पड़ी है, तो मुझे पिवट टेबल के थ्रू एक एक्सटर्नल डेटा के साथ कनेक्ट करके एक पिवट टेबल को बनाना है। तो इस वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप दूसरी पिवट टेबल के डेटा को एक इस शीट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जब ये मैं आपको वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो माइट भी अगर आपको पिवट टेबल का नॉलेज है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक एक्सटर्नल डेटा के साथ हमें एक पिवट टेबल के डेटा को हम कनेक्ट करना है। तो पिवट टेबल के लिए अगर हम इसमें पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स डेटा तो है ही नहीं, हमारा तो डेटा हमें किसी और शीट से लेके आना है, तो मैं सिंपली इसमें इंसर्ट करता हूँ, पिवट टेबल पे ऑप्शन पे क्लिक करें, तो इस शीट में हमारे पास कोई डेटा है नहीं तो ये हमारा किसी भी मतलब का नहीं है और हमें पिवट टेबल यहाँ पे बनानी है, राइट, A1 पे, तो इसलिए मैंने A को सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे सिलेक्ट अ डेटा टेबल और अ रेंज के बदले मुझे यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह के मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, राइट। और मुझे अगर यहाँ पे मेरे पास जैसे कि मैंने क्ले लिंक किया था तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई है, अगर आपको किसी डेस्कटॉप में किसी शेयर ड्राइव में आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है तो आप ब्राउज़ फॉर मोर क्लिक करेंगे, और उसके बाद मेरा ये ई ड्राइव पे है ये वाली फ़ाइल, और यहाँ पे डेटा शीट करके डी डेटा में पड़ी हुई है ई ड्राइव में, इस वाली ड्राइव में मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ओके करने के बाद उस पर्टिकुलर वर्कशीट में जितनी भी शीट्स होंगी, जैसे मेरी शीट 1, शीट 3 और डेटा करके जो शीट है, तो उसमें भी तो जब जिस भी शीट को क्लिक करेंगे तो उससे वो कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं ओके कर देता हूँ इसे। ओके करने के बाद ये कनेक्ट हो गया है, और इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक दूसरी शीट के डेटा को हमने कनेक्ट कर दिया पिवट टेबल के थ्रू। अब मैं यहाँ पे जैसे कंट्री को ले लेता हूँ, प्रोडक्ट को यहाँ पे ले लेता हूँ, सेगमेंट से इधर ले लेता हूँ, तो आपने देखा होगा कि दूसरी शीट के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। इस वाली शीट में तो कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास और मैंने कनेक्ट किया है ई ड्राइव की फ़ाइल के साथ, राइट। तो अब अगर आप चाहते हैं इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा में जाने के बाद आपका यहाँ पे कनेक्शन आता है, कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी शीट के साथ कनेक्ट होंगे तो उसकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, लास्ट रिफ्रेश्ड आ जाएगा, यहाँ पे 10:25 पे हुआ था। अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में उस वाली पर्टिकुलर शीट की डिटेल आ जाएगी, और इसमें यह बताएगा कि जैसे कि इनेबल है बैकग्राउंड रिफ्रेश, रिफ्रेश एवरी, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम दे सकते हैं, रिफ़्रेश डेटा वैन ओपनिंग द फाइल, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल रिफ़्रेश हो जाएगी और जो भी डेटा उस पर्टिकुलर फाइल में होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ़्रेश हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप एक दूसरे फाइल जो कि किसी अदर लोकेशन या डेस्कटॉप में किसी अलग ड्राइव में हो तो उसके साथ कनेक्ट करके कनेक्शन के थ्रू आप पिवट टेबल डेटा को लेके आ सकते हो। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, इसके बाद पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद यूज़ एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज़ कनेक्शन और ब्राउज़ फॉर मोर पे क्लिक करके जहाँ जिस भी ड्राइव में आपके पास डेटा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा ई ड्राइव पे था
और यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी शीट्स होंगी उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जिस भी शीट पे क्लिक करना है, जो भी आपको डेटा चाहिए उस पे ओके करना है आपको, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट और न्यू वर्कशीट, तो मैं एग्जिस्टिंग में मतलब A1 पे यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, और ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे पिवट टेबल बन जाएगी, और वहाँ से मेरी कनेक्टिविटी यहाँ से दूसरी शीट से बन गई है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि मेरे पास डेटा भी ज़्यादा नहीं हुआ और मेरा डेटा किसी और शीट में है, पिवट टेबल मेरा किसी और वर्कशीट में बन रही है, तो हम अलग वर्कशीट से भी अपनी डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा क्या काम आता है, इसके लिए हमारे कनेक्शन के थ्रू होता है, और यहाँ पर हम जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके अपनी सेटिंग्स को भी कर सकते हैं कि रिफ़्रेश एवरी 57 सेकेंड, और यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल आ जाती है, राइट। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।